नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम। लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि दशासन आखिर होता क्या है। तो 1919 का जो अधिनियम था जसवंत सुधारक, उसमें प्रांतों में द्वैत शासन हमें देखने को मिला। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू की गई। उसके बाद जो 1935 का अधिनियम आया, उसमें हमने ये देखा कि केंद्रीय द्वैत शासन शुरू हुई और प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसकी समाप्ति हो गई। तो ये तीनों चीज़ें देखी कि द्वैत शासन होता क्या है और वो कब कब आया प्रांतों में और केंद्र में। तो ये समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में 1935 में मैं चलूँगी कि वो अधिनियम क्या है, उसके बाद प्लेटो की तरफ चलूँगी। थैंक यू सो वेरी मच।